हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? साइंस का। साइंस में हमने लेसन 4 हेल्दी फूड्स एंड क्लीनिनेस चैप्टर रीड किया था, पार्ट्स में रीड किया था। इसलिए वो लास्ट टाइम जो हमने किया था 2 पेजेस पढ़े थे और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, हेल्दी फूड एंड क्लीनलीनेस में हमने सबसे पहले नीड ऑफ फूड पढ़ा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए, और हमें लिव एंड ग्रो करने के लिए फूड ज़रूरी है। और अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे, तो वी विल फॉल सिक, हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि फूड्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं और फूड्स हमें जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलने वाले फूड्स जो थे वो थे फ्रूट्स, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस, और एनिमल से मिलने वाले जो थे फूड वो थे एग्स, मीट, हनी, फिश एंड मिल्क। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने क्या पढ़ा था, हमने गुड फूड हैबिट्स पढ़ी थी कि हमें कैसे हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में लेनी चाहिए, और वो हेल्दी हैबिट्स क्या थी, फूड हैबिट्स, कि हमें अपना फूड च्यू करके खाना चाहिए, चबा के, और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। फिर हमें अनकवर्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और हमें बात नहीं करनी चाहिए वाइल ईटिंग, खाते खाते, और हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और हमें बार बार अपने हैंड वॉश करने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने पढ़ा था कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग समथिंग, हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, और हमें अपने हेयर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उसके लिए हमें अपने हेयर कॉम करने चाहिए, और हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए एवरी डे, और हमें रोज़ बाथ लेनी चाहिए, टेक बाथ एवरी डे, और हमें जब भी स्नीज आए तो हमें हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, और रिंस माउथ वेल आफ्टर ईटिंग समथिंग, हमें अपना माउथ भी रिंस करना चाहिए कुछ भी खाने के बाद। और हमने उसके बाद लास्ट पेज में क्या पढ़ा था, ईटिंग टाइम हमने पढ़ा था, और उसमें क्या पढ़ा था हमने, ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं, लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं, एंड डिनर वी टेक एट नाइट। और टू कीप फिट में क्या पढ़ा था हमने कि हमें एवरी डे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट रहने के लिए हमें बहुत सारा पानी और क्लीन वाटर पीना चाहिए, और हमें 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप लेनी चाहिए। ओके, ये सब हमने पढ़ा था, आपको याद है। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम आज ए एंड बी पार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं फटाफट आपको रीड करवा देती हूँ, और उसके बाद आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपने ये सब अपनी नोटबुक में लिख के लर्न करना है, और आप डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर एक्सरसाइज दिल के ए पार्ट एंड बी पार्ट जो भी आप कर रहे हैं, और उसको सीरियल नंबर वाइज 1, 2, 3 करके लिखेंगे। ओके, सो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है हमें उसमें टिक करना है। फर्स्ट वी ईट फूड, टू वी ईट ईट एफ डबल ओ डी फूड, टू हम फूड क्यों खाते हैं, स्लीप, बी लिव, सी रेस्ट। हम फूड स्लीप करने के लिए खाते हैं, लिव करने के लिए खाते हैं, रेस्ट करने के लिए खाते हैं, तो इसमें आंसर आएगा लिव, ऑप्शन नंबर बी, लिव। हम फूड लिविंग के लिए, हमारे फूड बहुत ज़रूरी है खाना। वी मस्ट ड्रिंक, डी आर आई एन के ड्रिंक, सी एल ई ए एन क्लीन, डैश हमें क्या क्लीन, हमें क्या ड्रिंक क्लीन क्या करना चाहिए, कॉफ़ी, वाटर या टी, हमने पढ़ा था ना, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर। सो हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। इन द मॉर्निंग वी टेक
सुबह में हम क्या लेते हैं? डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो हम ऑप्शन सी ब्रेकफास्ट में टिक करेंगे। BREAKFAST ब्रेकफास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया था ना, द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है, फूड हम प्लांट्स से हमें कौन सा फूड मिलता है। तो ए ऑप्शन है पोटैटो, मिल्क या एग। तो इन तीनों में से हमें पोटैटो प्लांट से मिलता है, बाकी मिल्क एंड एग वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो हम पोटैटो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। POTATO पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अब जैसे उसमें प्लांट प्रोडक्ट पूछा था, इसमें एनिमल प्रोडक्ट पूछा है। सो हम इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं व्हीट, राइस और मीट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम कौन सा एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है, वीट भी नहीं है, राइस भी नहीं है, मीट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हम सी ऑप्शन मीट पे MEAT पे टिक करेंगे। ओके, बी ऑप्शन। अब बी एक्सरसाइज कौन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग क्लूज फ्रॉम हेल्प बॉक्स। अब यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, आंसर हमें करेक्ट सेंटेंस के साथ करेक्ट आंसर मैच करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर तो लिखे हुए हैं, तो आप उसको देखेंगे अपनी नोटबुक में लिख कर और आंसर्स लर्न करेंगे। और आपने ऐसे ही लिखना है सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, और जो आंसर होगा आपने उसको अंडरलाइन करना है। सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वी टेक TAKE टेक डैश एट नाइट। हम रात को क्या लेते हैं, हमने पढ़ा था ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उसमें हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, डिनर। हम रात को डिनर लेते हैं, DINNER डिनर। सेकेंड फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स VEGETABLES वेजिटेबल्स कीप्स अस डैश। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने से हम कैसे, हमें क्या होता है, कीप्स अस डैश। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या रखते हैं, हेल्दी, HEALTHY हेल्दी। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, तो इसमें आंसर आएगा हेल्दी। थर्ड वी शुड ड्रिंक SHOULD शुड DRINK ड्रिंक मिल्क MILK मिल्क टू टाइम्स। हमने पढ़ा था ना वी शुड टेक मिल्क टू टाइम्स, तो हमें इसमें लिखा है कि हमें मिल्क दो बार लेना चाहिए। सो द आंसर क्या आएगा, वी शुड ड्रिंक मिल्क टू टाइम्स, TWO टू TIMES टाइम्स, टू टाइम्स। वी गेट फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स फ्रॉम FROM फ्रॉम। हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, हमने पढ़ा था ना लिस्ट पढ़ी थी, द फूड्स वी दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो हम फ्रूट्स किस कैटेगरी में था, द फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा, प्लांट्स, द वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स। सो आंसर प्लांट्स होगा, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज ए एंड बी, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर उसको लर्न करेंगे। और आपने पहले जो मैंने आपको रिवाइज करवाया वो भी आप रीडिंग करेंगे उस चैप्टर की, पूरे चैप्टर की पेज नंबर 22, 23, 24, 25 आप रीड करेंगे, एंड देन आप एक्सरसाइज ए एंड बी करेंगे पेज नंबर 26 में। मैं आपको ये एज इट इज़ व्हाट्सएप में भेज रही हूँ, विद आंसर्स भेजूँगी, आप लिखेंगे और उसको आप लर्न करेंगे, आप ऐसे ही नोटबुक में कॉपी नहीं करेंगे। ओके, अच्छे से आप काम करेंगे, आपको इतना थोड़ा सा ही काम मिलता है पूरे दिन में जिससे कि आप थॉरली उसको लर्न कर सकें, तो आप ये करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।